हेलो एलिस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की, यानी 16 से 24 तक के लिए है ये। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एलिस इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। Four of Wands, Five of Pentacles, Eight of Cups, Ace of Wands, so Ace। इस वीक में फोर ऑफ वॉन्ड्स है और फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे लग रहा है कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं या जिसके साथ फैमिली का सोच रहे हैं, उसके ऊपर आपको डाउट है। आपको ऐसा लग रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कोई थर्ड पार्टी है, और हो भी सकती है आप लोगों में से कुछ के केसेस में। और यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है। एट ऑफ कप्स के साथ कुछ अजीब सी आपके अंदर कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी रहेगी इस वीक में। एट ऑफ कप्स के साथ आप खुश हैं कि आपके पास ये पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है, आपके लिए परफेक्ट है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन को मना नहीं पा रहे हैं और आपको लगातार डाउट है। कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है इस वीक में अपने पार्टनर को लेके। फिर यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, आप परेशान हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लगता है कि ये सिचुएशन आप बदल सकते हैं। लेकिन आपको दोबारा ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो इतना परफेक्ट हो। किसी कारण से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और इसीलिए फिलहाल आप इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वक्त के साथ ये चीजें सॉल्व हो जाएगी और ये जो भी थर्ड पार्टी है जिसके लिए आप डाउटफुल हो रहे हैं वो आपके पार्टनर के लाइफ से चली जाएगी। इनफैक्ट ये जनरल रीडिंग है एरीज, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि आपके जैसा कंपैटिबल या आपकी जैसी पर्सनालिटी उसे दोबारा नहीं मिलेगी और वो इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहता है। आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और उन्हें चुनेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं एरीज। Messages for Aries. For the third week of August.
द हाई प्रीस्टेस Eight of Pentacles, Five of Cups. The lovers. Okay. The high priestess के साथ आपके partner आपसे कुछ छुपा रहे हो सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो वो अभी बताना नहीं चाहते आपको, ऐसा कुछ हो सकता है जो उन्होंने आपको बताया नहीं इस वीक में, लेकिन आप डाउट कर रहे हैं उनके इंटेंशंस पे, उनके इरादे पे, और आप कुछ उनके बारे में पता लगाना चाहते हैं, आप कुछ चेक कर रहे हैं, हो सकता है उनके मोबाइल्स या कुछ भी आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हो सकते हैं कुछ भी, और आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसके कारण आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, और ये पर्सन इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, उसने कभी डिस्कस नहीं किया इन चीजों के बारे में, और अचानक से आपके सामने कोई चीज आती है जिसके कारण आप थोड़े डाउटफुल हो गए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, आप इसी समय में अपने अंदर के क्रिएटिव साइड को भी बाहर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव हुई हैं, लेकिन शायद इतनी नेगेटिव नहीं है कि आपके मूड को खराब कर सके, आप अपने काम पे जरूर फोकस्ड हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्रिएटिविटी पे, अपने आप को और बेहतर कैसे करें, अपने आपके पास और भी, आपके लिए बिजी वीक रहेगा, आपके पास और भी काम हो सकते हैं इस वीक पे जिन पे आपको ध्यान देना है, और आप ध्यान दे भी रहे हैं, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं कि आपको कैसे बेहतर इंसान बनना है। और फाइव ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी है, रिग्रेट तो है, लेकिन फिर भी यहाँ तीन कप है आपके पास हैप्पी होने के लिए। अगर हम इन पांच कप्स को देखें तो इसमें दो रिवर्स है और तीन सीधे हैं, इसका मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनका इंटरेस्ट आप में से कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आप 100% फोकस चाह रहे थे वो अभी आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है एरीज, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आप ये जानते हैं, आप इस चीज को लेके बहुत श्योर हैं कि अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है भी तो वो चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है द लवर्स के कार्ड के साथ कि ये जो डीप फीलिंग है ये आपके और इस पर्सन के बीच है, और ये जो भी तीसरा पर्सन है वो सिर्फ सरफेस पे है, यहां कुछ गहराई नहीं है इन रिश्तों में, और वो रिश्ते सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा ही आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए बना है। मेरे ख्याल से आपका पार्टनर भी ऐसा ही फील करता है, लेकिन फिलहाल शायद उसे अपना कंफ्यूजन क्लियर करने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में कुछ टाइम लगेगा, और ये चीज आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एरीज मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। फैमिली, लविंग योर फैमिली, सॉरी, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। ओके, सो एरीज इस समय आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, वो चीज अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, आप अपना ध्यान अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ लगाइए, एंजॉय कीजिए,
सो इससे क्या होगा कि नेगेटिव चीजों की तरफ से आपका ध्यान हटेगा, आप अपने फैमिली और वर्क पर ज्यादा फोकस हो पाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये वीक आपके लिए बिजी रहने वाला है और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी अपने आप। तो ये थी रीडिंग आपके थर्ड वीक की एरीज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।